कॉन्वेक्स लेंस पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकस ऑफ द लेंस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे दिया, मान लो ए भी नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने कहा था कम से कम दो रेस वहां से क्या होती है, पास होती है। एक हम क्या करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो कहां से जाती है, फोकस। तो ये सी है, ये 2F2 है, तो इधर 2F1 इधर ही कहीं पर होगा, तो यहाँ से F2 के तरफ इधर ये जाएगा ऐसे चला गया, ठीक है। एक रेस और पास कराना, तो एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास सीधे। एक बार हम लोग लेंस की ओर इंसिडेंट होते हुए दिखाएंगे तो यहाँ पर एरो मार्क लगाएंगे, और एक बार जब लेंस से पास कर गए तो रिफ्रैक्टेड रे को एरो से दिखाएंगे। ये दो चीजें हो गई। अब क्या करना है, ये तो दोनों कहीं मीट की ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो ये जो दोनों रेज हो कहीं मीट करे, या ऐसा लगे कि मीट कर रहे हैं, यानी अपीयर्स टू मीट। तो उस कंडीशन में हमने बताया था इसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड भी कर सकते हैं, यानी पीछे की ओर बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये जो लाइन है इसी को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और ये बिल्कुल उसी लाइन में स्ट्रेट ये बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ाएंगे। अभी जहां पर जाकर मिले ये थोड़ा और भी ये इधर ही चला गया, वहीं जाए उससे कोई लेना नहीं, थोड़ा स्ट्रेट उतना है, यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, ये इधर लगभग आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये डैश नाम दे दिया, बी डैश नाम, इस पोजीशन के हिसाब से ये टू फोर का पहले और बाद में भी हो सकता है, उससे कोई नहीं, ये जहाँ पे मीट करे, ठीक है, इसको तुम्हें बढ़ा देना। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हो गया ए डैश बी डैश, इसका क्या इमेज, ये इमेज का फॉर्मेशन, और ये ए बी क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसमें जगह दिखाई दे तो लिखना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर सी एंड द फोकस F1, देन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यानी ये लेंस है, लेंस लेफ्ट साइड में रखा गया है ए बी, और इस ए बी का इमेज फॉर्मेशन ए डैश बी डैश सेम साइड में बनता है। तो ये उसका पोजीशन हो गया, इमेज का पोजीशन। और हमने ये बताया था कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसका नेचर भी बताएंगे और साथ में क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, पोजीशन तो हो गया, नेचर, उसके बाद साइज, तीन चीजें बताया था, पोजीशन, नेचर और साइज। तो अब ये तुम लोग बताओ कि इसका नेचर कैसा है, क्योंकि लाइट जो है ना एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये हम लोग एपियस्ट मीट, यानी कि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको प्रोड्यूस करने पर ये मीट कर सकते हैं। तो ये भी कहेंगे वर्चुअल, एंड वर्चुअल को हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल जब बनता है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में था, ऊपर था, ये भी ऊपर ही बना, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट, सीधा इरेक्ट भी बोलते हैं, या इसको अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा दिख रहा है, हाईली लार्ज, तो हाईली लार्ज लिख लो, लार्ज ठीक है, या हाईली लार्ज, इसी चीज को मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ये रे डायग्राम बना करके इसका नेचर और साइज लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन
पोजीशन या लेफ्ट साइड लिखा है, ये लिखा तो है सेम साइड, इमेज इज फाउंड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस भी लिख सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर हम लोग लगभग इसके मिडिल में दिखा रहे हैं। ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना और एज पे यहां तक पास करा रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, होता कहा है रिफ्रैक्शन जो होता है इसके सर्फेसिस पे होता है, लेकिन हम लोग मिडिल तक ला के तब रिफ्रैक्शन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो सर्फेस लेंस जो है वेरी थिन है, बहुत पतला लेंस, और पतले लेंसेज के केसेस में उनके दोनों सर्फेसेस लगभग जो है सेम माना जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ तक ला लेते हैं। ये सी हो गया, यहाँ पर एफ वन प्राइम पे लिख देता हूँ और इसके जस्ट डबल इधर प्राइम टू एफ वन होगा, ठीक है, फिर इतना ही डिस्टेंस पे इधर प्राइम पर क्या होगा एफ टू होगा और इधर की तरफ इसका डबल लगभग, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F1 पर प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पर प्लेस किया, इसका नाम हमने AB नाम दे दिया। ये लाइन तो मालूम है ना सबको कि ये लाइन क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल सी को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ये तो होगा। अब हमने बताया था कि इससे कम से कम कितने रेंज पास कराने होते हैं, दो, तो एक हम पैरेलल पास कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, तो यहाँ पे पैरेलल पास कराते हैं, ठीक है, और जो पैरेलल रेंज होती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से, तो ये F2 से जाएगा, ये F2 से, ठीक है। इसके बाद एक रेस और पास कराना जरूरी होता है इमेज प्रोजेक्शन, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं, यस सर, ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी ना वो आ करके यहीं पे मिलेगी, ये आ करके यहीं पे मिलेगी, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पर ए डैश बी डैश दोनों सेम साइज का बन रहा है, और ये क्या हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रहा है, नीचे बन रहा है, और एक्चुअल में दोनों रेज जो है मीट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे रियल एंड इनवर्ड, नेचर कैसा होगा रियल, रियल इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों रेज आके मीट कर रही है, और इनवर्टेड कैसे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन, तो रियल एंड इनवर्टेड नेचर हो गया, और साइज में मैंने बता ही दिया था कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पोजीशन की जहां तक बात है तो ये क्या बनेगा 2f1 पे रखा रहेगा तो 2f2 पर बनता है, ठीक है, तो तुम लिखा चुके हैं ना कि नहीं, साइज और नेचर लिखवाया, यस सर जी, अब लिखवा दिए तो रे डायग्राम, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं, ये जो फिगर बना है इसको क्या कहते हैं डायग्राम, ये डायग्राम नोट करो नेक्स्ट बता।